तो फ्रेंड्स, जब भी हम बात करते हैं ना डायबिटीज की, तो हर किसी को एक टेंशन सी क्रिएट हो जाती है, डायबिटीज डायबिटीज। और शुगर को हमने एक तरह से क्या समझ लिया है कि शुगर इंसान की बहुत बड़ी दुश्मन है। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि जो शुगर है, ये हमारी बॉडी को चाहिए होती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। क्योंकि बॉडी में जब शुगर है, ग्लूकोज है, तो ये हेल्प करता है हमें एनर्जी गेन करने। और शुगर और एनर्जी जो है, ये खाली चीनी में ही नहीं है। लोगों को आम कन्फ्यूजन क्या होता है, शुगर मतलब चीनी। फ्रेंड्स देखिए, जो भी ग्लूकोस, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ें एंड प्रोड्यूस क्या करती हैं, ग्लूकोस। और ग्लूकोस मतलब उसी तरह से शुगर। लेकिन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। अगर हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च, ग्लूकोज, शुगर, ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी, तो हमारी बॉडी को वो एनर्जी नहीं मिल पाती जो काम वो करना चाहती है। इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो शुगर्स हैं, एनर्जी हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिस्टम के लिए। अब हमें अंडरस्टैंड क्या करना है कि डायबिटीज़ में होता क्या है। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कोई खाना खाया, हमारे ब्लड के अंदर एक शुगर का, ग्लूकोज का एक लेवल बन जाता है। लेकिन होता क्या है कि हमारी बॉडी वो ब्लड में से उस शुगर को, उस एनर्जी को, उस ग्लूकोज को सेल्स तक हम ले नहीं पाते। तो जब हम सेल्स तक नहीं ले पाते हैं, तो वो सारा शुगर जो है वो ब्लड में दिखाता है। हमने इस कंसेप्ट को समझना है, ये सब चीज़ें है क्या। अब आप एक बात देखिए, जब हमें ग्लूकोज मिलेगा और हमें शुगर्स मिलेंगी, ये हमारे सेल्स को मिलेंगी और हमारे पास क्या होगा, वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी। लेकिन जो पेशेंट हैं डायबिटीज के, उनको क्या हो जाता है कि जो शुगर है वो सेल्स के अंदर नहीं जा पाती, और जितना शुगर है वो ब्लड में घूमता रहता है। इसीलिए जब हम उसका ब्लड टेस्ट कर लेते हैं, तो उसके अंदर शुगर की मात्रा ज़्यादा दिखाता है। तो हम ये समझ जाते हैं कि शुगर जो ब्लड में से बॉडी पार्ट्स में जानी चाहिए थी, सेल्स में जानी चाहिए थी, वो सेल्स में नहीं जा पा रही है और ब्लड के अंदर ही घूम रही है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ये टॉपिक है कि डायबिटीज कितने प्रकार की होती है, ताकि आप लोग इसे समझ पाए। तो डायबिटीज बेसिकली हम जो उसको कैटेगराइज करते हैं, वो थ्री टाइप की है। डायबिटीज तीन तरह की होती है। सबसे पहली जो है टाइप 1, दूसरी टाइप 2, और तीसरी जेस्टेशनल। जेस्टेशनल मतलब जब एक लेडी माँ बनने लगती है, जो चाइल्ड बेयरिंग स्टेज में होती है, जब उसने कंसीव किया हुआ होता है, उसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। कई बार जब लेडी ने कंसीव किया होता है, उसका शुगर लेवल हाई हो जाता है, उसका शुगर लेवल हाई हो जाता है, और डिलीवरी के बाद कुछ दिनों में, कुछ महीनों में वो वापस से नॉर्मल हो जाता है। तो ये तीन तरह की डायबिटीज होती है, टाइप 1, टाइप 2, और थर्ड इज जेस्टेशनल डायबिटीज, मतलब जो प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज को हो जाती है। एक एक करके इसको समझते हैं। टाइप 1 में क्या होता है कि बचपन से ही, जब बच्चा पैदा होता है, उसी टाइम से इंसुलिन बनता नहीं। टाइप 1 मतलब इंसुलिन नहीं बन रहा है। सीधी सी बात करते हैं, जब भी किसी को बोलेंगे इसे टाइप 1 डायबिटीज है, या डॉक्टर आपसे बोलता है टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज मतलब हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन बन नहीं रहा है। इंसुलिन बनता कहाँ है, हमारे जो पेंक्रियाज होते हैं, इसमें बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, और बीटा सेल्स जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, वो हेल्प करते हैं शुगर को ब्लड में से निकाल के सेल्स तक पहुंचाने के लिए। जो सेल के अंदर शुगर एंटर करती है, एनर्जी एंटर करती है, ग्लूकोज एंटर करता है, कार्बोहाइड्रेट्स एंटर करते हैं, वो इंसुलिन की मदद से एंटर करते हैं। तो टाइप 1 मतलब जब बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही उसके शरीर के अंदर इंसुलिन बन नहीं रहा है, इसे हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज। अब आते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 में क्या होता है कि इंसान के अंदर तो इंसुलिन कहीं ना कहीं बन रही है, उसके जो पैनक्रियास के बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन बना रहे हैं, लेकिन ड्यू टू सर्टन रीजंस वो इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है। तो इसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कह देते हैं।
इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब उसकी बॉडी में इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है, ऐसा नहीं कि है नहीं, इंसुलिन इज प्रेजेंट ओवर देयर, कई बार छोटी मात्रा में है या इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से जो शुगर है वो ब्लड के अंदर घूम रही है और सेल्स के अंदर जा नहीं पा रही है, इसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कह देते हैं, क्योंकि जो हमारे सेल हैं वो उस शुगर को ब्लड में से ले नहीं पा रहे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं हमें कैसे पता चल जाता है शुगर, इस पर्सन को डायबिटीज़ है या शुगर हाई है, क्योंकि जो सेल्स में हमें चाहिए शुगर वो सेल्स में ना पहुंच के ब्लड में घूम रहा है, जिसका काम क्या था, ब्लड में से जाके शुगर को सेल्स के अंदर जाना है, एनर्जी को सेल्स के अंदर जाना है विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। टाइप वन में इंसुलिन प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए उनको एक्सटर्नल इंसुलिन देना पड़ता है। और जो टाइप टू है, जिसमें अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन बन रहा है लेकिन किन्हीं कारणों से वो इंसुलिन ब्लड में से शुगर को सेल्स तक पहुंचा नहीं पा रहा है, दैट मीन इंसुलिन रेजिस्टेंस। इन केसेस में भी डॉक्टर्स इंसुलिन रिकमेंड करते हैं, उससे क्या होता है, हमारे जो बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, और कई बार अगर टाइमली एक्शन लिया जाए तो ये रिवर्ट भी हुआ है, रिवर्स भी हुआ है, उन लोगों की वापस से इंसुलिन काम करने लग गई। तो टाइप टू में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, किन्हीं कारणों की वजह से इंसुलिन प्रेजेंट है लेकिन काम नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर अलग अलग टाइप्स ऑफ मेडिसिन दी जाती है, लेकिन सबसे पहले पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है कि आप अपनी हैबिट्स चेंज करें, लाइफस्टाइल चेंज करें, वॉक, एक्सरसाइज, योगा करें। जब वो नहीं होता है इस चीज़ों से, फिर उसको नेक्स्ट रिकमेंड करते हैं कि आप एक्सरसाइज, वॉक, इन सब के साथ साथ खाने के ऊपर ध्यान दीजिए, हेल्दी फूड लीजिए, जो आपको हेल्प करेगा डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। और जब ये दोनों चीज़ें नहीं काम करती हैं, फिर हम पेशेंट को पुट करते हैं ओरल मेडिसिन पे, जो उसके शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, और उसके बाद जब नहीं कंट्रोल होता है तो फिर उसको इंसुलिन पे डाल दिया जाता है। इंसुलिन बुरी नहीं है, एक परसेप्शन है लोगों के अंदर कि इंसुलिन दे दिया तो कोई काम नहीं करेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंसुलिन इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, अगर आपका डॉक्टर आपको इंसुलिन रिकमेंड करता है उसे आप डेफिनेटली लीजिए। अब आप हम आते हैं थर्ड कैटेगरी ऑफ डायबिटीज, दैट इज जेस्टेशनल, मतलब जब माँ ने कंसीव किया हुआ है, एक लेडी ने कंसीव किया हुआ है, चाइल्ड बेयरिंग स्टेज में है, उस टाइम पे उसको डायबिटीज हो जाती है, लेकिन ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं कह रहा हूँ नॉर्मल में सबको हो जाती है, जिसको हो जाती है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब वापस से डिलीवरी हो जाती है, लेडी अपनी नॉर्मल लाइफ में आने लगती है, थोड़ी बहुत चीज़ों का ध्यान रखें तो वो डायबिटीज से प्रिवेंट हो जाती है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि जो भी पर्सन है उसको कौन सी है, इंसुलिन टाइप वन, टाइप टू या जेस्टेशनल, उसी हिसाब से उनका मोड ऑफ ट्रीटमेंट होना है। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए, आप और हम अभी डॉक्टर नहीं हैं, तो डॉक्टर की जगह लेने की कोशिश नहीं करनी है। मैं से आपको इसलिए एडवांटेज ये सब चीज़ें बता रहा हूँ कि जब आपको डॉक्टर रिकमेंड करे तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। कुछ चीज़ें हम जो हाई शुगर हैं वो हम अपनी डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सरसाइज से कंट्रोल कर सकते हैं, और हेल्दी हैबिट से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ माय चैनल, गुरप्रीत सिंह साहनी इज़ माय नेम। मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।